एग्जाम में ये बेसिकली मतलब बेसिकली निफ्टी में क्या था, ये जो आज सेलिंग आई है ये काफी अच्छी सेलिंग आई है, ठीक है। अब कोई सोचेगा मतलब जैसे जैसे बिजनेस चैनल वगैरह, मतलब नाम नहीं लूंगा, बहुत बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है, कि एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी, लेकिन एग्जैक्ट लेवल नहीं बताएंगे, ठीक है। तो बोलेंगे, कोई बोलेगा 850, 750 अच्छी रेंज है बाइंग की, ठीक है। अब मार्केट सबको ट्रिप करके, मतलब मार्केट तो 675 निकल गया है ना, क्योंकि ये भी देखा जाए तो ये भी जोन था, ये भी जोन था, ये भी जोन था, है ना। अब लोग क्या करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं, चीजें क्लियर होती नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या शार्प रिकवरी आई है ना। और जिसने यहाँ पे ट्राई किया, जिसने यहाँ पे ट्राई किया, ये 3 बार लॉस होने के बाद चौथी बार उसकी हिम्मत होती ही नहीं। बट चार्ट पे अगर आप देखोगे ना, और ऊपर से ये गिरा ये तो सब कुछ मार्क था, ऑलरेडी गिरना ही था। क्यों था यस सर ये गिरना ही था, क्योंकि अगर आप इसको वीकली और डेली चार्ट पे जाओगे ना, वीकली चार्ट पे जाइए, ठीक है। तो वीकली चार्ट पे क्या प्रीवियस वीक की बॉडी थी ना। अभी वीकली और डेली कैंडल डिकोड करेंगे ना, नेक्स्ट वीक से मॉर्निंग में मैं कंटिन्यू करूंगा, 1 वीक का मैं थोड़ा और टेस्ट ले रहा हूँ, थोड़ा पेट में इन्फेक्शन हो गया था, तो इवनिंग क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये वीकली की बॉडी थी यहाँ पे। और दूसरी चीज तो मैं ये बता दूं कि कोटेक बैंक और आरबीएल बैंक, जो पब्लिक वाले टेलीग्राम ग्रुप में बनाया बताया था, उससे पहले आधे थे। कोटेक बैंक तो 2-2.5% था, 7% होगा, और आरबीएल बैंक तो 5-6% था, 13%, 14% गिरा है। दोनों ये गिर नहीं थे, चार्ट पे भी दिख रहे थे, आरबीएल वीकली के जो डिमांड जोन में, अभी देखेंगे। तो डेली की वीकली की यहाँ पे बॉडी थी, एंड बॉडी और वीक दोनों इंपॉर्टेंट है। अब उसके नियर बाय जो भी जोन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट पे ये एक प्राइस की एक ऐसी रेंज है, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली, जहां से मार्केट जो है ये बार बार रिएक्शन ले रहा है। देखिए इस जोन में आया रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन देके ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन, ठीक है। तो बेसिकली डेली का डिमांड जोन था, इसका लो भी टूटा हुआ था, तो ये तो शार्प सेलिंग एक्सपेक्टेड थी ना। बेसिकली प्राइस कहाँ गया था, वीकली का जोन ऊपर रह गया था, और डेली की क्या थी, वहां पे बॉडी थी, एंड बॉडी में जब भी प्राइस घुसता है बहुत अच्छा मूव करता है। देखिए अब आप कोई भी जोन लगा लीजिए, 25 मिनट का, 15 मिनट का, सारे काम करेंगे, उसका कोई भी इश्यू नहीं। ठीक, डॉट टू डॉट आपका मार्केट को अगर देखोगे तो आपका इट इज फर्स्ट लेवल, क्योंकि प्राइस यहाँ से एक साफ मूव किया था, देन ये सेकेंड लेवल, मार्केट यहाँ से गैप अप खुला, और फिर जैसे इसके नीचे आया, तो अंदर क्लोजिंग आ गई, तो बॉटम अटेम्प्ट करता है। क्या करता है, बॉटम अटेम्प्ट करता है, क्योंकि ये वाला जो था ये तो टेस्टेड था, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, तो एलओटीएल हमेशा काम करता है, इसलिए मार्केट यहाँ पे उठा। 125 मिनट का जोन देखोगे तो आपका मार्केट का 125 मिनट का भी ये जोन था, ये क्लियर है। क्योंकि अभी जब हम निफ्टी करेंगे ना सब साथ में मिलके, तब ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मंथली वीकली डेली कैंडल के डिकोड के साथ साथ हम क्या करेंगे, ये सब चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये डॉट टू डॉट मार्केट वहीं से उठा है, उठना भी तय था, गिरना भी था। अब दोनों साइड की वोलेटिलिटी आ गई है। अब मतलब आपको मैं बताऊं, निफ्टी जो ट्रेड करने के लिए बहुत अच्छा है, मतलब बैंक निफ्टी की तो वीकली एक्सपायरी अब बंदी हो जाएगी ना, तो निफ्टी वीकली एक्सपायरी की ठीक है, क्योंकि निफ्टी पहले भी थोड़ा स्मूथ चलता, अब और थोड़ा और स्मूथ चलेगा। और दूसरी चीज क्या है, निफ्टी ने सारे ये जो कंसोलिडेशन फेज है ना, कंसोलिडेशन फेज में देख अगर आप देखो इसको छोड़ के, मतलब 23-328, उससे पहले ये भी क्लियर करके रखा, मतलब आगे का व्यू भी बता रहा हूँ, ये भी क्लियर करके कर लिया, ये भी क्लियर कर लिया, ये भी क्लियर कर लिया, समझ में आ रहा है मेरी बात। ये ध्यान देने वाली बात है, बड़ा मूव मिलेगा कि निफ्टी का सारा वे जो है, ये जो ये है ये आपका क्लियर है। मैं थोड़ा सा मार्क करके दिखाता हूँ निफ्टी कैसे दिख रहा है, क्या वो ट्रेंड लाइन की तरह, देखिए ये या क्लियर जहां तक है, मैं वही बात करूंगा, ये सब कुछ क्या है, वे क्लियर है ऊपर जाने का, ध्यान देना मेरी बात का। यहां से अगर देखोगे तो ये वाला वे भी क्लियर हो गया, तो प्राइस क्या हो गया, प्राइस आपका एक नैरो रेंज में हो गया। अगर आप देखोगे इसे, ये नहीं, ट्रेंड लाइन लगा था, ठीक है, प्राइस आपकी यहाँ पे नैरो रेंज में, ठीक है। तो प्राइस क्या हो रहा है, स्टेबल
स्क्वीज हो रहा है ऐसे। अब सारे वे क्लियर है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्लियर है, जैसे आपकी 25 मीन्स अगर आप देखोगे तो ये वाली क्लोजिंग है ये, तो आप 20 रुपये और मान के चलो, मतलब आपको मैं लिख देता हूं यहां पे 25,090। जिस दिन भी डेली कैंडल क्लोज हो जाए उसके ऊपर निफ्टी अगेन यहां तक जा सकता है, 26,000 हजार पॉइंट की रैली करेगा, ठीक है। और 25,090 क्लोजिंग बेसिस पे नहीं निकालता तो आपके लिए ये नीचे की साइड जो विंडो है ना, मैं आपको वीकली में दिखाता हूँ, ये वाले 24,300 से लेकर के 23,924,000 तक ये विंडो क्लियर कट खुली हुई है। तो अगले कुछ 1-2 दिन में जब हम आजकल में या इस वीक में हम मार्केट को जब वॉच करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है देखना कि 25,090 के ऊपर अगर डेली कैंडल क्लोज नहीं करता तो हर राइज सेल अपॉर्चुनिटी है, और इसके ऊपर जिस दिन भी क्लोज कर गया ना 1,000 पॉइंट निफ्टी रुकेगा नहीं, ये देख लेना। और 25,090 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी ये भी राइज सेल अपॉर्चुनिटी, तो आपके लेवल इवन ये यहाँ ये तक आ सकते हैं 23,570 तक के, ये T2 हो जाएगा ना, इसलिए मैंने ये लेवल मार्क किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये डिमांड जोन है, ये इसका लो है, तो ये तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट, बॉडी की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, लो इंपॉर्टेंट होता है, हाई इंपॉर्टेंट होता है, एंड जोन भी इंपॉर्टेंट होता है, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है। दो लोग करते हैं डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई अकेले से नहीं, कि आपका OHLC चार्ट में हाई लो क्या है वो इंपॉर्टेंट है, एंड बॉडी का ओपन कहाँ हुआ क्लोज कहाँ हुआ वो इंट्राडे के अंदर बहुत यूज होता है, जो कि हम यूज करते हैं। तो ये निफ्टी का क्लियर हो गया सभी को, क्या हो गया क्लियर हो गया। अब अगर अब आप वीकली के चार्ट पे देखोगे निफ्टी पे, तो वीकली के चार्ट पे क्या है, बुलिश डायवर्जन। अगर इस वीक की कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं होती है तो ये बुलिश डायवर्जन बन जाएगा, तो शायद निफ्टी यहां से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाए। अगेन वही मेरा हो गया, 25,090 से एक वन वे रैली आपको देखने को मिल सकती है, 25,090 इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे ऊपर आना चाहिए, उसके नीचे तो नेगेटिव है ही ना, उसके नीचे तो जब भी बढ़ रहा है मार्केट सेल कर ही रहा है, आज मतलब कल बढ़ा आज बढ़ा आपने सेल कर दिया, तो उसके तो ये आपका वीकली में एक बुलिश डाइवर्जन बन रहा है। एंड वीकली के अंदर इस तरीके से जब भी प्राइस एक्शन होता है तो 3 कैंडल कंटिन्यूस लो नहीं टूटता, जैसे आप यहाँ देखोगे ये 2 है ना यहाँ पे, देखिए 3 है, एक बड़ी कैंडल बनी यहाँ पे, तो प्राइस ये इस सप्लाई को टेस्ट करने के लिए जा सकता है, जो कि ये सप्लाई अगर आप देखोगे तो 25,800 25,900 मतलब 26,000 की रेंज में, थोड़ा 100-200 प्लस माइनस मान लो, तो 26,000 की रेंज में जा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान से रखना, मार्केट एक रैली कर सकता है ये, तो आज तो देखो कोटेक और ये RBL इतना गिरा लेकिन फिर भी मार्केट नहीं गिरा, बिकॉज ऑफ HDFC 4% ऊपर हो गया है ना, तो HDFC में ध्यान रखना, HDFC भी यहाँ पे कूदने वाला है 1,750 के आसपास, तो यहाँ फ्रेश पोजिशन किसी को भी HDFC में नहीं नहीं बनानी। जैसे मैं फ्यूचर्स, क्योंकि जिस तरीके से ये प्राइस एक्शन था ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रिजल्ट क्या सब चीज की नेगेटिव हो, बट वो हुआ नहीं, थोड़ा पॉजिटिव हुआ तो ये ऊपर चला गया, ठीक है क्लियर है। और कोटेक बैंक जब मैंने बताया था 1,854 पे था, ये अभी 1,742 चल रहा है, पब्लिक वाले टेलीग्राम ग्रुप में बताया था, और ये RBL आप देखो जब बताया था 196 था, अब आपका 179, मतलब आपका ऑलमोस्ट 17 रुपये, 17 रुपये तो कितना होता है, 8-9% होता है ना, बहुत है, 8-9% इसमें मिला है, और आपका 1,853 से लेकर के 1,734 उग गया, ये 5% इसमें मिला है जो मॉर्निंग बताया था। अब किसी को कुछ पूछना है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का डिस्कस करने का फायदा नहीं, बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी खत्म होगी, निफ्टी का ही एनालिसिस करेंगे। सर, जो कल बात हुआ था पर डॉट टू डॉट चला है निफ्टी, तो एक डॉट वो तो के मैंने चौदह यही यही सौ डिस्कस किया ना, कि जो हमने यही बात करी कि ये जो है ना, ये देखो आप इसमें इतनी, इसके बाद इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, इवन 2 कैंडल ने इसका लो भी तोड़ा ठीक है, तो इस कैंडल का मिडिल पॉइंट था ये ऑलमोस्ट, और बॉडी थी, तो यहां से तो मार्केट गिरना था, इसका हाई देखो आज क्या था 978, 950 से लेकर 25,000 के रेंज में सेल बनता था ये, और बहुत सारे लोग को सोचेंगे यहां से उठेगा वहां से उठेगा, ऐसे नहीं उठेगा ना मार्केट, मार्केट प्रॉपर जोन से उठेगा ना, मार्केट 125 मिनट के जोन से उठा है, अब इसको वहां पे ट्रेड नहीं करना बेसिकली आज के दिन में नहीं करना,
क्योंकि ऊपर नीचे वाला जो होना था वो हो गया, मैंने भी नहीं किया। सही, यहाँ पे 3 से 4 टाइम फ्रेम एक साथ कोइंसाइड हुआ है आज के यहाँ पे जो। ना नीचे यस ना, सर, हाँ मतलब बाइंग वाले सेटअप में, बाइंग वाले सेटअप में आप देखोगे 125 मिनट हो गया। आप डेली देखो यहाँ पे, डेली का क्या था, अगर आप देखोगे तो डेली का यहाँ पे डिमांड जोन स्टार्ट होता है, ठीक है। दूसरी चीज देखो क्या होता है यहाँ पे, वीकली का भी पिछले वीक की कैंडल का वो लो है वहां पे। आप इवन 25 25 मिनट देखो, 25 मिनट का भी डिमांड जो ना, तो सारी चीजें बाइंग के लिए तो सेट परफेक्ट सेटअप था, बट इतना रेड बनने के बाद क्या रिटेल ट्रेड की हिम्मत नहीं, क्योंकि मार्केट और गिरेगा और गिरे, लोग पुट ले लेते हैं ना। तो देखो एक एक ही कैंडल रेड बनी, उसके बाद रिकवरी आ गई। अब क्या मार्केट मार्केट में है तो सेलिंग ही, ठीक है। मार्केट को प्रूफ करना पड़ेगा, मार्केट को प्रूफ करना पड़ेगा इसके डेली कैंडल 25,090 के ऊपर क्लोज होने के लिए, नहीं तो मार्केट में सेलिंग ही है। ये ऊपर ऊपर जब जाएगा मतलब, अगर ये तो चलो छोड़ देते हैं, डेली के अंदर जब जाएगा तो डेली में सिनेरियो चेंज हो जाएगा, वीकली से उठ रहा है, ठीक है। तो ये आपका देखिए, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी, उसके बाद गया लेकिन पुट वालों को पैसा नहीं बना, क्योंकि प्राइस आराम आराम से गया। तो पहले प्रीमियम ज्यादा होता है, फिर प्रीमियम डीके होता है। तो ऐसे ही आज जैसे ऊपर अगर इस तरीके से ही रहा तो आराम आराम से जाएगा, तो पुट वालों को भी नहीं बनेगा। एंड पुट के लिए तो सेलिंग लेवल पे है ही नहीं, पुट के लिए तो सेलिंग लेवल पे है ही नहीं। प्राइस एक्शन होगा तो इसका ब्रेकडाउन पे देखेंगे। दूसरी चीज क्या, अगर डेली में आप देखोगे तो डेली में हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, देखोगे ना, तो ये क्लोजिंग नहीं दे रहा, दिक्कत यही है बस, देख रहे हो ना। तो अब मैं पॉजिटिव इसके ऊपर क्लोज होने की, इस सप्लाई जोन के ऊपर क्लोज होने पे मैं पॉजिटिव हूँ 25,090 के ऊपर। इसके नीचे अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो निफ्टी 90 डिग्री से निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। एक दो दिन में ही, 2 दिन में 3 दिन में 1,000 पॉइंट निकल जाएंगे अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो। अभी क्या प्राइस क्यूज हो चुका है, इस वीक ध्यान रखिए और अगले वीक ध्यान रखिए, निफ्टी में बड़ा मूव मिलेगा। एक साइड डायरेक्शन आपने पकड़ ली, मैं तो रहूंगा ना आपके साथ, मैं बता दूंगा, कंटिन्यू रहूंगा, ठीक है। इस वीक में थोड़ा और ब्रेक ले लूँ दिन में, और इवनिंग की क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे मॉर्निंग में, नेक्स्ट वीक से मंडे से कंटिन्यू करेंगे।